श्रॉफ की एक्शन फिल्म बागी 3 रिलीज हो चुकी है। नेटिजन्स ने ट्रेलर देखते ही फिल्म को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख स्टारर फिल्म बागी 3 सिर्फ एक मीम मटेरियल बन कर रह गई। चाहे फिर वो फिल्म के इलॉजिकल और फिजिक्स के अगेंस्ट परफॉर्म किए गए स्टंट्स हो या फिर टाइगर का सिंगल हैंडेडली सीरिया के सभी टेररिस्ट को धूल चकाना हो, आपको सोशल मीडिया पर हर तरह के मीम्स मिल जाएंगे। यहाँ तक लोगों ने फिल्म के कई सीन्स को हॉलीवुड मूवी रैम्बो की हूबहू कॉपी कहा है। इतना ही नहीं, फिल्म की पूरी स्टोरी साउथ की मूवी वेंटई की कॉपी है। टाइगर श्रॉफ की मूवी बागी 3 के कई सीन्स को वंडर वुमन से स्टेप बाय स्टेप कॉपी किया गया है। फिल्म में जब टाइगर शील्ड के सहारे स्लाइड करते हैं तो वो सीन वंडर वुमन की एग्जैक्ट कॉपी है। ये सब देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म सही रीजंस की वजह से चर्चा में नहीं है और काफी ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी बटोर रही है। नो डाउट टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन हीरो हैं, पर जिस तरह से ये स्टंट्स कोरियोग्राफ किए गए हैं, ये देखकर सभी को कभी कैप्टन अमेरिका तो कभी वंडर वुमन की याद आ जाती है, स्पेशली शील्ड वाले स्टंट्स में। ना सिर्फ हॉलीवुड मूवीज बल्कि बागी 3 के कई सीन साउथ इंडियन मूवीज को भी रिजेंबल करते हैं, चाहे वो अल्लू अर्जुन की फिल्म सन ऑफ सत्यमूर्ति हो, सराय नोडू या डीजे। बागी 3 का शील्ड वाला सीन एज इट इज सन ऑफ सत्यमूर्ति के सीन की तरह शूट किया गया है। वहीं बागी 3 का एक फाइट सीक्वेंस जिसमें टाइगर श्रॉफ गुंडे को टांग से पकड़कर उल्टा खड़ा कर देते हैं और वॉक करते हैं, वो सीन बिल्कुल सराय नोडू जैसा है। एक फाइट सीन में तो टाइगर एक बंदे को अपने शोल्डर पर लेकर खड़े होते हैं, ये सीन भी फिल्म डीजे से कॉपीड है। साउथ इंडियन फिल्म कत्थी से भी एक सीन लिया गया है, बस फर्क ये है कि कत्थी में विजय सिक्के उछालते हैं और लाइट जल जाती है और बागी 3 में टाइगर सीटी मारते हैं और लाइट जल जाती है। ये तो रही फिल्म के कॉपीड सीन्स की बात। अब किसी ने अच्छी मूवी बनाई हो, डायरेक्टर उन सीन्स से कई बार इंस्पिरेशन लेते हैं और उन्हें रिक्रिएट करते हैं। और बात करें इंडियन एक्शन फिल्म की तो हमें कई बार ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जहां ग्रेविटी और फिजिक्स जैसे शब्दों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। चलो ये बात भी फिल्म में इग्नोर कर दी जाए, लेकिन जब टाइगर मशीन गन्स और तोप लेकर अकेले ही सीरिया के सभी टेररिस्ट से लड़ने पहुंच जाते हैं तब तो बात हाथ से ही निकल जाती है। फिल्म में बस टाइगर के सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की ही कमी रह जाती है। फिल्म के कॉपीड स्टंट्स, कॉपीड सीन्स और वीक स्टोरी लाइन के बारे में तो हमने आपको बता दिया है। अब ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी ये आप खुद डिसाइड कीजिए। नाउ बाय शेक चिलीज ऑफिशियल मर्चेंडाइज ओनली ऑन द सोल स्टोर। कॉफी मग, स्कूल एंड फंकी टी शर्ट्स। यूज कोड TSSLOTPOT15 टू गेट फ्लैट 15% ऑफ ऑन शेक चिली मर्चेंडाइजेस। हरी अप।